Subscribe the channel and click on bell icon for notifications and latest updates. In this video of DIY Reeb, I am going to show you how you can make your own microphone amplifier within few minutes. So let's start. माइक्रोफोन एम्पलीफायर क्या है? तो मैंने एक अपने पहले वीडियो में ऑडियो एम्पलीफायर बनाया था। वो ऑडियो सिग्नल्स को स्पीकर में से बाहर निकालता था, यानी वो स्पीकर के लिए ऑडियो को एम्पलीफाई करता था। बट अब मैं बना रहा हूँ माइक्रोफोन एम्पलीफायर। ये क्या करेगा कि माइक्रोफोन में जो हम लोग ऑडियो सिग्नल इनपुट दे रहे हैं उसको एम्पलीफाई करेगा कि हम लोग आगे स्पीकर अटैच कर आवाज़ को वहाँ से बाहर निकाल सके। ये तो आप डायरेक्टली अगर चाहोगे कि आप माइक्रोफोन को डायरेक्ट आप स्पीकर से कनेक्ट करके अगर आवाज़ चाहोगे कि निकले तो वो नहीं निकलेगा, तो आपको उसके लिए एक एम्पलीफायर सर्किट चाहिए कि वो ऑडियो सिग्नल्स जो हम लोग माइक्रोफोन में दे रहे हैं उसको एम्पलीफाई करें। तो जो मटेरियल्स हम लोग को चाहिए माइक्रोफोन एम्पलीफायर बनाने के लिए वो है 4.7 किलो ओम्स के एक रेजिस्टर, 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर, 100 किलो ओम के दो रेजिस्टर, 0.1 माइक्रोफैराड का एक सेरामिक कैपेसिटर, यानी वो सेरामिक कैपेसिटर जिस पर 104 लिखा हो, LM386 IC, एक कंडेंसर माइक, एक बैटरी विद क्लिप और एक वेरो बोर्ड। सारा सामान कनेक्ट करने के बाद अब आपको इसका सर्किटरी बनाना होगा, यानी इसकी वायरिंग करनी पड़ेगी। तो इसका वायरिंग कुछ कुछ मिलता है उस ऑडियो एम्पलीफायर जो मैंने स्पीकर के लिए बनाया था, मगर इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस है। सो पहले मैं इसको ब्रेडबोर्ड पर करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं LM386 को ब्रेडबोर्ड पर लगा लेता हूँ। सो ये जो कट वाला हिस्सा है पास कर लेता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है वो जाएगा इस तरफ। तो ये यहाँ ब्रेडबोर्ड पे लग गया। यहाँ पर जो बेंट वाला हिस्सा है वो इस तरफ है, यानी ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसके बाद सबसे पहले मैं पावर सप्लाई को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर है मेरा ग्राउंड वाला लाइन और इधर जाएगा पिन नंबर 6 में 9 वोल्ट। तो 1 2 3 4 5 6 पिन नंबर 6 पे 9 वोल्ट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ पिन नंबर 4 में। 1 2 3 4 फोर्थ पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद पिन नंबर 3 में 100 किलो ओम्स का एक रजिस्टर लेकर उसको ग्राउंड में जोड़ देना है। तो ये रहा पिन नंबर 3, उसको ग्राउंड में जोड़ देना है, रेजिस्टेंस लगाना है पिन नंबर 3 से ग्राउंड में। उसके बाद 1 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको पिन नंबर 2 से ग्राउंड में जोड़ना है। तो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस पिन नंबर 2 से ग्राउंड में, या पिन नंबर 2 इधर ग्राउंड। ओके, उसके बाद 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस पिन नंबर 2 से पिन नंबर 5 में। तो ये रहा पिन नंबर 2 और ये रहा पिन नंबर 5, यहाँ से इधर पिन नंबर 2 से पिन नंबर 5 में 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस। उसके बाद पिन नंबर 6 में यहाँ पर हम लोग ने 9 वोल्ट जोड़ा है, वहाँ पर से एक रेजिस्टेंस निकालना है 4.7 किलो ओम्स का। और पिन नंबर 3 में जो हम लोग ने 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया था उसके पास से
एक सेरेमिक कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफेरेट का जोड़ना है आपको, और ये दोनों को हम लोग को एक जगह पर लाकर जोड़ देना है। यानी ये जो 4.7 किलो ओम्स का जो रेजिस्टेंस है, ये पिन नंबर 6 यानी पावर सप्लाई वाले पिन से निकल के एक जगह पर आएगा, और ये सेरेमिक कैपेसिटर जो है पिन नंबर 3 पे से निकल कर एक जगह पर आएगा, और ये दोनों एक जगह पर ज्वाइंट होंगे। और जहाँ पर ये ज्वाइंट होंगे वहाँ पर आपको माइक्रोफोन का पॉजिटिव वाला वायर लगाना है। तो माइक्रोफोन का पॉजिटिव कैसे पहचानोगे, तो यहाँ माइक्रोफोन के पीछे जो ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, इसके पीछे यहाँ पर आपको जो तीन लाइन ऐसे दिख रहे होंगे निकले हुए, ये इधर जो तीन लाइन वाला है ये होगा नेगेटिव, जो इसके बाहर वाले आउटर कवर से जुड़ा हुआ है ये हो गया नेगेटिव, और जो उसके बचा अलावा ये हो गया पॉजिटिव। यानी जो आउटर कवर पे अटैच है ये तीन ऐसे ऐसे खींचा हुआ है, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को जोड़ देना है ये सेरेमिक कैपेसिटर, और रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा है वहाँ पर, और ग्राउंड को जोड़ देना है ग्राउंड में। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग को स्पीकर जोड़ना है। तो स्पीकर का जो ये पिन रहता है, ये पिन, इसमें ये रहता है सबसे नीचे वाला जो है वो ग्राउंड, और ये होता है लेफ्ट और राइट। तो इन दोनों में से हम लोगों को कोई एक चुन लेना है लेफ्ट या राइट में से, और उसके बाद ये ग्राउंड में इसको जोड़ देना है। तो मैंने इसका एक वायर इसमें कनेक्ट कर ऑलरेडी रखा हुआ है, ये वायर, और इस वायर को आपको थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि आपको स्पीकर और माइक्रोफोन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बना के रखना है, क्योंकि अगर स्पीकर और माइक्रोफोन एक साथ रहेगा तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ बनेगा। तो मैं इसमें बहुत लंबा वायर जोड़ दिया है, और उसके बाद यहाँ पर निकल कर ये आता है। तो ये है मेरा ग्राउंड वाला वायर, और ये है मेरा पॉजिटिव वाला वायर। तो ये आपको स्पीकर में से कनेक्ट करना है, जो आपका नॉर्मल स्पीकर रहता है। आप अगर चाहें तो इसमें जैक भी जोड़ सकते हैं, कि आप इजीली ये वाला जो पिन है इसको डायरेक्ट उसमें प्लग इन कर सकें। तो यहाँ पर अभी मैं वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ग्राउंड को आपको ग्राउंड में जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ देता हूँ। और ये जो इसका पॉजिटिव पिन है स्पीकर का, यानी लेफ्ट या राइट वाला, उसको आपको पिन नंबर 5 में जोड़ना है, यहाँ पर। सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो ब्लॉग पर भी है। ओके, सो सब वायरिंग पूरा हो गया है, तो अब इसको कनेक्ट कर देखते हैं। इसको चेक करना है तो सबसे पहले मैं स्पीकर को बहुत दूर कर देता हूँ माइक्रोफोन से, कि माइक्रोफोन और स्पीकर से इको नहीं हो, और इसे मैं बैटरी लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं स्पीकर को ऑन कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग को इसमें कुछ बोल के चेक करता हूँ। हेलो, सो आपको आवाज़ लाउड सुनाई दे रही होगी, मैं स्पीकर को थोड़ा यहाँ पर लगाता हूँ। हेलो, माइक्रोफोन का जो ऑडियो है वो एम्पलीफाई होकर स्पीकर से बाहर आ रहा है। तो अब मैं इसको एक पीसीबी में प्लेस कर देता हूँ कि ये अच्छे से पैकेज में आ जाए।
तो टेप से कवर करने के बाद अब ये बहुत अच्छे से एक पैकेज के अंदर आ गया है और अब हम इसको कभी भी किसी एक स्पीकर में कनेक्ट कर यूज़ कर सकते हैं। और ये पैकेज में आने के बाद मैंने इसके पीछे ऐसे बैटरी को लगा दिया है तो ये एक बहुत अच्छे से छोटे से पैकेज में आ गया है। आप चाहते तो ये माइक को भी यहाँ पर अच्छे से इसके पीछे यहाँ पर ऐसे लगा के फिक्स कर सकते थे कि ये और अच्छे से छोटे पैकेज में आ जाए। तो मैं इसको पावर चेक करता हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से अभी काम कर रहा है क्योंकि अगर आप इसको ब्रेडबोर्ड में बनाओगे तो ब्रेडबोर्ड पे थोड़ा लूज कनेक्शन रहता है तो काम करने थोड़ा काम अच्छे से तरीके से काम करता है। मगर अगर इसको ब्रेडबोर्ड पे लगा दिया जाए, ब्रेडबोर्ड पे अच्छे से सोल्डर कर दिया जाए तो ये और अच्छे तरीके से काम करता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप लूज कनेक्शन नहीं रखें, सबको अच्छे से टाइट कर दें और टेप कर दें। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी तरह से टेप कर दिया है इसको। फिर उसके बाद आप यहाँ पर से जो दो आउटपुट सिग्नल वाले वायर निकल रहे हैं आप इसको या तो स्पीकर में प्लग इन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको वॉइस ओवर माइक की तरह भी यूज कर सकते हैं, माइक में प्लग इन कर सकते हैं, कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं, आप इसको आर्डिनो के साथ भी यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट इसको बनाने के लिए। इसके साथ अगर हम इसको आर्डिनो के एनालॉग पिन में लगा देंगे तो ये एक इस माइक की तरह भी काम करेगा। तो आप देख रहे हैं आवाज कितनी साफ आ रही है और तेज आवाज आ रही होगी। अगर मैं माइक को हटा दूं तो आपको आवाज में फर्क समझ में आ रहा होगा कि आवाज में कैसा फर्क है। तो हम लोग इसको आर्डिनो के साथ भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑडियो रिलेटेड प्रोजेक्ट जो आते हैं वो हम लोग बना सकते हैं इस साउंड माइक्रोफोन एम्पलीफायर की मदद से। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि कौन सा प्रोजेक्ट आप अगर आप बनाओगे ये माइक्रोफोन एम्पलीफायर तो आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहोगे इस माइक्रोफोन एम्पलीफायर से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।